तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पहला क्वेश्चन आपने भेजा है, इसमें पूछा गया है कि एक्स को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पीएमएफ दे रखा है, तो देन द रेंज ऑफ अल्फा फॉर विच दिस इज द वैलिड पीएमएफ। तो वैलिड होने के क्या जरूरी है कि सबका सम वन हो और 0 से 1 के बीच सब हो। तो सबको सम को अगर 1 करेंगे तो क्या आएगा, चलो देख लेते हैं। इसमें आंसर मिस्टेक हो सकता है तो उसका टेंशन नहीं लेना है। तो सबको आप ऐड करेंगे 1 माइनस अल्फा बाई 6 प्लस अल्फा बाई 3 प्लस 1 प्लस अल्फा बाई 6 इक्वल टू 1। तो एक तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी, इसका आप एलसीएम 6 ले लेंगे तो अल्फा बराबर 2 आएगी। कितना, यहाँ से 2 अल्फा और प्लस अल्फा माइनस अल्फा तो कट गया, सो 2 माइनस 2 अल्फा अपॉन 6, यही ना, 2 माइनस 2 अल्फा अपॉन 6 बराबर 1। तो यहाँ से 2 माइनस 2 अल्फा 6 हो गया, सो 2 अल्फा 4 हो गया, है ना, 4 होगा, -4 होगा, 2 अल्फा -4 हो गया, सो अल्फा बराबर -2 आ गया। अब कौन कौन सा इंटरवल है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अच्छा एक मिनट, इसने जरूरी नहीं ना कि सम 1 ही हो, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है कि ये जरूरी नहीं सम 1 ही हो, सम एक्चुअली 1 से कम भी तो हो सकता है, ये मतलब है। क्योंकि सम 1 से कम क्यों हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं सारे पॉइंट इसने इंक्लूड किए, उसने कहा नहीं है ना। अच्छा एक्स बी आर डिस्क्रीट रैंडम विथ पीएमएफ गिवन है, पीएमएफ दे दिया तो सम 1 ही होना चाहिए फिर तो, ठीक है। फिर तो अगर पीएमएफ बोल दिया है, अगर वैसे ही जस्ट इवेंट बोला होता तो जरूरी नहीं था, पीएमएफ बोल रखा है तो ओके है फिर तो। अब आपको ये देखना है कि ये -2 कौन से इंटरवल में सेटिस्फाई कर रही है, किस इंटरवल में है। सी में तो नहीं है जो कि आंसर में ये दिया हुआ है। वहाँ नहीं, वो गलत लिख रखा है, सी में तो नहीं है ना, क्योंकि अल्फा तो -2 आ गया, तो -2 आ गया तो आपका ये आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। तो देखना है कि अल्फा किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले -5 से 5 में है, ये दूसरे में पता नहीं क्या लिखने की कोशिश किया, वो नंबर मिस हो गया एक्चुअली, वहाँ पे होगा कुछ ऐसा होगा माइनस, है ना, कुछ समथिंग होगा, वो हटा दो। -1 से 1 में नहीं है, -3 से 3 में है, -3 से 3 में भी है, तो समय सेटिस्फाई कर रहा है। आगे एक और कंडीशन ये है, अच्छा एक मिनट, लेकिन ये भी देखो तुम कि क्या अल्फा -2 वैलिड है। पहली बात, अभी जो हमने किया उसके हिसाब से अल्फा -2 वैलिड है, तो क्योंकि -2 रख देंगे तो बीच वाला 0 प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इसमें मिस्टेक है ना, क्योंकि अगर वैसा होता सो -2 तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वरना प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 पे तो -2/3, ये तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटी एक्चुअली। इसने गलत, जिसने क्वेश्चन बनाया गलत बनाया है ना। तो बट अप्रोच यही होगा, अप्रोच अगर लिखेंगे तो कुछ लिखने में गलती किया है, क्योंकि और पीएमएफ कह रहा है, तो पीएमएफ कह रहा है सम तो 1 ही हो जाएगा, और जस्ट प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच करोगे, 0 1 0 1 है ना। अगर वैसे आप लिखते कि चलो ये जस्ट प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसा होगा कि 1 माइनस अल्फा बाई 6 0 से 1 के बीच हो सकती है, तो 1 माइनस अल्फा ये हो सकती है, तो -α 5 और यहाँ -1 हो जाएगा, और अल्फा मोर देन इक्वल टू -5 लेस देन इक्वल टू 1। तो एक तो ये कंडीशन आ जाएगी, दूसरे वाले को हम सॉल्व करेंगे। देखिए एक अगर मान लो ऐसे बोलता कि जस्ट प्रोबेबिलिटीज़ हैं 3 अलग अलग इवेंट की, तो उसके हिसाब से इसमें 0 से 1 आ रहे इंटरवल इसमें 0 से 1 आ गई ना, ओके सो जीरो सारे, से मतलब मिला के। ओके। और यहाँ जैसे आप लिखते हैं 1 प्लस अल्फा बाई 6 0 से 1 में, तो अप्रोच यही होगा, आप जो अप्रोच लगा रहे हैं ठीक है। सो ये हो गया। अब तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे ना, सो तीनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो अल्फा की वैल्यू 0 1 सब में है ना। वो 0 से 3 होगा जो नहीं, सेकंड वाले हैं। ओ यहाँ मैंने गलत लिखा है, एक मिनट। हाँ तो इंटरसेक्शन तीनों का क्या आ जाएगा, 0 से 1। तो ये आंसर फिर करेक्ट हो जाएगा अगर वैसे, अगर आप सिर्फ आप देखेंगे, क्योंकि वो पहली बात तो पीएमएफ पूरा बना नहीं रहा, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन होगा, क्योंकि वो पीएमएफ नहीं बना रहा, पीएमएफ तब बनाता जब सम 1 होता, सम 1 हमने किया तो उसमें क्या हो गया एक्चुअली, तो ये पीएमएफ नहीं, जस्ट 3 पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है कुछ और पॉइंट पे भी प्रोबेबिलिटी हो,
तो यहाँ पे एक्चुअली जस्ट ऐसा है, तो उस केस में ये ट्रू हो जाएगा, ऐसे केस में अगर ऐसा आएगा तो। लेकिन जो बनाया इसने गलत बनाया, ठीक है ना, इसमें गलती है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है किसका रहेगा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बताइए नेक्स्ट में क्या है। सर इसमें ये एफएमएस में रैंडम वेरिएबल की थ्योरम दी हुई है, तो उसका जो थर्ड पॉइंट है उसका सर जो सेकंड और थर्ड है वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो जो थर्ड है, एक्स कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है देन क्या होगा। देखिए, तो एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और कह रहा है देन क्या होगा। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1/x जो है, देन ये पूछना क्या जा रहा है, कौन सा रैंडम वेरिएबल है ये, आई मुझे लग रहा पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नहीं है सर, ये थ्योरम दी हुई है तो वो थ्योरम समझ में नहीं ये 3, 4, 5, 6 ये सब थ्योरम है। रही। हाँ सर, अच्छा ओके ओके, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर एक्स कोई, अच्छा डिस्क्रीट नहीं, मैंने डिस्क्रीट लिख दिया, एक्स जस्ट एक रैंडम वेरिएबल है। सो एक्स अगर कोई रैंडम वेरिएबल है देन 1/x जो होगा, 1/x ओमेगा, 1/x भी रैंडम वेरिएबल होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कहना चाह रहा है कि 1/x की मीनिंग क्या है, तो ये कहना चाह रहा है 1/x एट ओमेगा, इसका मतलब होता है 1/x, ये कर सकते हैं आप, और एक्स करस्पॉन्डिंग टू ओमेगा, इसकी वैल्यू कह रहा है एक्स ओमेगा 0 है, ठीक तो है ना। तो इसने कहा है कि एक्स ओमेगा अगर 0 हो गया मान लीजिए, सो ये क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 क्या आ जाएगी इन्फिनिटी, यही लिखा है इसने। यस तो अगर कह रहा है कि अगर ये कह रहा है इफ, इसने लिखा हुआ है कि अगर एक्स ओमेगा 0 है तो 1/x ओमेगा इन्फिनिटी होगी, यही लिख के बता रहा है कि अगर एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है और अगर मुझे ऐसा दे दिया तो इस केस में 1/x एट ओमेगा, जो कि एक्स को आप एज अ फंक्शन समझिए, कैपिटल एक्स इज लाइक फंक्शन एफ, तो 1/f, सो एक्स ओमेगा हो गया 1/0 इन्फिनिटी, यही कहना चाह रहा था, वही है वहाँ पे कि सर, इसका सेकंड और थर्ड वाला बता दीजिए ठीक है। हमको। सेकेंड वाला पॉइंट जो है एक्स प्लस, ये अच्छा ये डिफाइन कर रहा है एक्चुअली, मैं समझ गया, ये जस्ट इन्होंने डेफिनेशन लिखा है मीनिंग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स प्लस ओमेगा, तो एक्स प्लस को डिफाइन कर रहा है एक्चुअली, ये कि बोल रहा है 1/x इस तरह से होगा, और एक्स ओमेगा का मतलब ये डेफिनेशन है मैक्सिमम ऑफ 0, x ओमेगा, तो ये बस डिफाइन कर रहा है कि ये जो नोटेशन बुक में यूज करेगा उसका मीनिंग ये रहेगा कि 0 और x में जो भी मैक्सिमम है, मतलब ये समझिए कि एक्स प्लस का मतलब है मैक्सिमम ऑफ 0, x, जैसे आज ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किया एक उस बैच में है ना, जहाँ मैक्सिमम ऑफ x,5 का हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाले थे, हाँ यस सर, तो वैसे ही ये वैसे ही हो गया, तो 5 की जगह 0 लिख दिया एक्चुअली इसने, तो एक्स ठीक है। प्लस का नोटेशन मतलब ये होगा, इसका मैक्सिमम 0, x, इसका भी आप डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं वैसे ही जैसे हमने आज मैक्सिमम 0,5 का निकाला, मिनिमम 0,5 का, तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो ये डिफाइन कर रहा है एक्चुअली। फिर तीसरा में डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है एक्स माइनस को, सिमिलर चीज़ें एक्स माइनस, सो एक्स माइनस को कह रहा है मिनिमम ऑफ 0, x, उसने लिखने में थोड़ा गलती किया है ठीक है ना। अच्छा एक्स माइनस ऑफ, यहाँ ऐसा लिख रहा है माइनस ऑफ 0, इसने कुछ ऐसा डिफाइन किया, एक्स माइनस जो डिफाइन किया है इसने, उसको डिफाइन किया है माइनस ऑफ मिनिमम ऑफ 0, x, तो यही मैं ओमेगा लगा दूंगा तो ओमेगा आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक्स माइनस ओमेगा लगा दूंगा, सो यहाँ माइनस ऑफ मिनिमम 0, x ओमेगा हो गया। तो एक्चुअली ना ये नोटेशन एक्सप्लेन कर रहा है, पहले पार्ट में इसने 1/x को एक्सप्लेन किया कि 1/x का मतलब क्या होगा, तो 1/x ओमेगा का मतलब होगा 1/x ओमेगा, ये कहना चाह रहा है। फिर दूसरे में एक्स प्लस इसको एक्सप्लेन किया इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है। तीसरे में इसको एक्सप्लेन कर रहा है इसका मतलब ये है, ये जस्ट एक नोटेशंस हैं। चौथा में मॉड एक्स है ना, चौथे में ठीक मॉड एक्स हम लोग जानते ही ऑलरेडी कि मॉड एक्स होगा एक्स होगा अगर एक्स पॉजिटिव है, माइनस एक्स अगर एक्स नेगेटिव या 0, या कहीं भी 0 लगा दो, यहाँ लगा लो ये है, तो यहाँ अगर मॉड एक्स एट ओमेगा लिखेगा तो ये हो जाएगा एक्स एट ओमेगा, तो ये है ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि मीनिंग क्या है 1/x, एक्स एक्स प्लस एक्स माइनस और ये मॉड का क्या मतलब है, तो कहना चाह रहा है मॉड रैंडम वेरिएबल होगा, तो ये सब रैंडम वेरिएबल हो सकता है अगर डिफाइंड होगा तो।
चारों पार्ट में क्या था, जस्ट ये चार डिफरेंट टाइप के रैंडम वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहा था कि एक्स रैंडम वेरिएबल है तो 1/x भी रैंडम वेरिएबल होगा, लेकिन ज़रूरी है कि वो डिफाइंड रहे, अगर डिफाइंड नहीं होगा तो फिर ये भी एक रैंडम वेरिएबल है, 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 तो ये बताना चाह रहा है, ठीक है। चलो भाई किसका रह गया, तो सर मेरा हाँ तुम्हारा भाई, अमन एक क्वेश्चन तुम्हारा भी कर देता हूँ, ठीक है। तो